हे स्टूडेंट्स आई एम राकेश कुमार सैनी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल माई एंड इफ यू लाइक चैनल, द वे आई यू दोट सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब यू ऑल्सो शेयर इट विद इन यूर फ्रेंड सर्कल एंड ऑफकोर्स लाइक द चैनल ओके गाइज सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट है दे डू नॉट है ना ही इनकी कोई अपनी शेप होती है और ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है ठीक है ना ये इन ये एक्सपेंड करती रहती हैं ठीक है ना इनका अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है अब जैसे ये है ये बैलून है तो बैलून के अंदर हम क्या करते हैं एयर फिल करते हैं इसके अंदर ठीक है ना तो बैलून की शेप जो एयर जो इसमें फिल हुई है उसने कौन सी शेप ले ली इस बैलून की शेप ले ली जिस शेप का ये बैलून है उसी शेप में एयर इसमें फिल हो जाएगी ठीक है ना और फिर वॉल्यूम क्या होगा एयर का वॉल्यूम भी यही हो गया ठीक है ना लेकिन जैसे सिलेंडर की हम बात करें तो सिलेंडर की शेप तो तो ये है है ठीक तो इसमें अगर हम जब गैस फिल करेंगे तो वो भी इसी इसी की शेप ले लेगा लेकिन वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता आप इसमें चाहो अगर आप इसमें एक लीटर गैस भरते हो ठीक है ना तब भी वो पूरी स्पेस में कवर होगी पूरा इसका अंदर का स्पेस भर जाएगा और आप इसमें चाहे चौदह लीटर गैस डाल दो तब भी वो बढ़ जाएगा अब मैं लीटर में बोल रहा हूं तो लीटर का मतलब क्या है कि लिक्विड हो गया तो कहने का मतलब यह है कि जब हम गैस को बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस कर देते हैं बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्रेस कर देते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे जो इंटर गैप है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगा कम हो जाएगा तो इसका मतलब वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना तो जो भी हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड में बताते हैं और नॉर्मली इनके अंदर चौदह लीटर गैस होती है फोर्टीन लीटर गैस इसमें भरी जाती है ठीक है ना तो वो कैसे भरी जाती है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में उसको कॉम्प्रेस कर दिया जाता है ठीक है ना तो देखिए उतने ही वॉल्यूम के अंदर अगर तो हमने चौदह लीटर गैस भर दी ठीक है ना आप चाहो तो दस लीटर भी भर दोगे तब भी वो पूरे स्पेस में ही कवर होगी ठीक है तो जितनी आप कम भर दो चाहे ज्यादा भर दो वो कवर कितना करेगी जितना जो सिलेंडर का इनर वॉल्यूम है वो पूरा ही कवर करेगी वो ठीक है ना तो इसका अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता इसको जितनी स्पेस मिलेगी वो उतने में कवर कर लेता है ठीक है नेक्स्ट दे हैव मैक्सिमम फ्लूडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी तो रिजिडिटी मतलब स्ट्रांगनेस स्टिफनेस तो वो तो गैस में बिल्कुल ही नहीं होती है ठीक है ना गैस स्ट्रॉन्ग होती ही नहीं है ठीक है ना सॉलिड स्ट्रांग होते हैं वो टूट नहीं वो हम वो स्ट्रांग uh, होते हैं ठीक क्यो, है ना उन क्यों क्यों स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो बहुत कम है लेकिन गैसेज में जो इंटरमोलिकुलर गैप है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है और जो फ्लूडिटी है जो फ्लो करने की जो पावर है वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्यों क्योंकि रिजिडिटी तो है ही नहीं तो इसमें ये जो फ्लूडिटी uh, है जो फ्लो करने की पावर है वो इसकी बढ़ जाती है ठीक है ना तो ये फ्लो करती रहती है तो एयर कभी भी देखना वो रुकती नहीं एक जगह पर वो बहती रहती है फ्लो करती रहती है वो ठीक है और ये लिक्विड लिक्विड में भी फ्लूडिटी होती है लेकिन उससे ज़्यादा होती है किसमें में गैसेज में तो ये और ज़्यादा फ्लो करती है दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल इनको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं जिससे मैंने अभी आपको सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया था दे हैव लो डेंसिटी तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है मतलब इनका जो वजन होता है बहुत कम होता है ठीक है ना तो डेंसिटी बेसिकली क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो आप एक यूनिट वॉल्यूम ले लो ठीक है ना आप एक बकेट ले लो यूनिट वॉल्यूम मतलब एक फिक्स वॉल्यूम आप ले लीजिए तो फिक्स वॉल्यूम में मैंने मान लीजिए एक बकेट ले ली ठीक है ना एक बकेट ले ली मैंने और तीन बकेट ले लो आप सोलिड लिक्विड गैस के हिसाब से ठीक है ना तीन हमने बकेट ले ली ठीक है इसमें आप भर दीजिए रेत इसमें हमने क्या भर दी सैंड भर दी इसके अंदर ठीक है और इसके अंदर आप भर दीजिए वाटर उसी लेवल पे इसके अंदर आप कोई भी लिक्विड डाल दीजिए तो लिक्विड हम इसमें वाटर डाल देते हैं ठीक है और इसमें हम डाल देते हैं गैस इसमें हमने डाल दी गैस तो हम क्या देखते हैं जब हम इसका वजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा वज़न किसका होगा सोलिड का तो सोलिड का सबसे ज़्यादा वज़न होता है इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उसके बाद आता है लिक्विड का नंबर और उसके बाद आता है गैसेस का नंबर ठीक है ना तो गैसेस के अंदर डेंसिटी इसका मतलब बहुत कम होती है तो दे हैव लो डेंसिटी नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी इज़ अगेन वेरी हाई तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से भी ज़्यादा होती है ठीक है ना आप गैस को हल्का सा गर्म कर दो ठीक है तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्पीड से मूव करने लगते हैं ठीक है ना अगर आप जैसे सिलेंडर के अंदर क्योंकि हमने बहुत कॉम्प्रेस्ड इसमें मतलब एल भरा हुआ था लिक्विड प, लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमने भर दी इसमें एल और बहुत ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में भरी हुई है तो जैसे आप हल्का सा वॉल खोलोगे ठीक है ना तो गैस देखना बहुत ही स्पीड से प्रेशराइज तरीके से बाहर निकलती है ठीक है ना क्यों क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स बहुत ही स्पीड से मूव करते हैं तो वो स्पीड से बाहर निकलती है ठीक है ना तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के अंदर बहुत ज्यादा होती है द एग्जेक्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर तो जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं इसको गैस को आप किसी भी कंटेनर में इसको डालो तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो इनर वॉल होगी वो उसके ऊपर प्रेशर डाल के रखती है जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने एलपीजी भरी हुई है तो जो एलपीजी की जो गैस है वो अपना प्रेशर कहाँ डाल के रखेगी जो इसकी इनर वॉल की जो सरफेस है इसके ऊपर यहाँ पे ये यहाँ पे जो है प्रेशर डाल के रखती है ठीक है ना मतलब एक्सपेंड होने की कोशिश करती है बाहर जाने की कोशिश करती है तो जो भी इनर वॉल्स हैं उसके अंदर वो प्रेशर डाल के रखती है कंटिन्यू ठीक है ना ऐसे इसके अंदर जो हमने गैस भरी हुई है यह भी इसकी इनर वॉल के ऊपर जो है गैस जो है प्रेशर बना के रखती है ठीक है ना नेक्स्ट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट और इसके अंदर जो डिफ्यूजन है वो बहुत स्पीड से होता है तो कहने का मतलब जो गैस मिक्स मिक्सिंग अगर हम करें गैस की तो बहुत इजीली हो जाती है जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर आप मिक्स करो तो बहुत फटाफट मिक्स हो जाएंगे वो ठीक है ना ऐसे आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन या किसी भी आप गैस को मिक्स करो तो बहुत जल्दी मिक्स होती हैं ठीक है ना आप जितने भी जैसे मान लीजिए जो गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है ठीक है ना तो उसमें मेनली क्या होता है सी होता है सल्फर डाइऑक्साइड होती है लेकिन ये आप ये आप देख ही नहीं पाते हो क्यों क्यों जैसी वो गाड़ी से आ, अमिशन होता है उनका वो तुरंत क्या होता है एयर में मिक्स अप हो जाती हैं तो हम आप एयर को देख के बता नहीं सकते ना कि ये सी ओ टू है ये ऑक्सीजन है ये सल्फर डाइऑक्साइड आप बता सकते होगा नहीं बता सकते क्यों क्योंकि वो बहुत उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं तो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो उनके अंदर डिफ्यूज़न जो है बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं वो